Jamai ke Stuffless Things. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. Before you start watching the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to Stuffless Things. आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सैमसंग के साथ. सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में प्री ऑर्डर्स पे ऑलरेडी जाना स्टार्ट हो चुका है. इसकी सारी स्पेक्स वगैरह निकल के आ चुकी हैं. बट यस, इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी M51 अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि 10 सितंबर को ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा. वैसे ये तो अब ऑफिशियली आया, बट बहुत टाइम पहले मैंने आपको लीक करके इसकी लॉन्च डेट बता ही दी थी. अगर आप सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं, इंडिया में 7000 mAh बैटरी आपको देखने को मिलेगी, सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा होगा, क्वाड रियर कैमरा 64 मेगापिक्सल वाला, तो एक अच्छा खासा मिड रेंज स्मार्टफोन ये हो सकता है. एंड यस, 10 सितंबर को ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है. आगे बढ़ते हैं टेक्नो की तरफ. एंड टेक्नो ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया इंडिया में. इसका नाम है टेक्नो स्पार्क गो 2020. टेक्नो स्पार्क गो 2020 जो स्मार्टफोन है, ये 6499 रुपीस का इंडिया में प्राइस किया गया है. एंड इस स्मार्टफोन में ऑफकोर्स आपको एंट्री लेवल स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी. 8 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा फ्रंट कैमरा वाटर ड्रॉप नॉच में, 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले है. पीछे की तरफ दो कैमराज है, एक कैमरा होगा 13 मेगापिक्सल और दूसरा जो है वो डेप्थ सेंसर है विद अनस्पेसिफाइड रेजोल्यूशन. MediaTek Helio A20 प्रोसेसर है, क्वाड कोर प्रोसेसर आपको मिलता है इसमें, 2GB RAM, 32GB इंटरनल स्टोरेज एंड 5000mAh की बैटरी. सो टेक्नो स्पार्क गो 2020 जो है 7 सितंबर ऑनवर्ड्स सेल पे जाने वाला है इंडिया में. आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ. एंड सैमसंग जल्दी ही लॉन्च करने वाला अपना सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन, और साथ ही साथ आज शाम को लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 स्मार्टफोन भी. एंड ये दोनों ही स्मार्टफोन्स अब Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे स्पॉट किए गए हैं. दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें नोटेबली Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर मिलेगा. आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के Geekbench स्कोर्स. आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ. है Realme ने फाइनली चाइना में लॉन्च किए हैं 3 स्मार्टफोन्स आज, Realme X7, Realme X7 Pro और Realme V3. Realme X7 सीरीज से हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले Realme X7 स्मार्टफोन की बेस प्राइस है CNY या Yuan 1799, दैट इज समवेयर अराउंड 20,000 रुपीज इन इंडिया. इसमें आपको मिलती है 6GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज. इसका 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरियंट है 2399 Yuan का, दैट इज समवेयर अराउंड 25,000 to 26,000 रुपीज इन इंडिया. Realme X7 Pro की अगर हम बात करें तो इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है Yuan 2199 से. सो Realme X7 का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उससे कम प्राइस है Realme X7 Pro के बेस वेरिएंट का. बेस वेरिएंट में आपको मिलेगी 6GB RAM, 128GB इंटरनल स्टोरेज. 8GB 128GB वाले की प्राइस है 2499 Yuan, दैट इज समवेयर अराउंड 27,000 रुपीज. और लास्ट वेरिएंट टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है Realme X7 Pro स्मार्टफोन का, उसमें आपको मिलती है 8GB RAM, 256GB इंटरनल स्टोरेज. इसकी प्राइसिंग है 3199 Yuan, दैट इज समवेयर अराउंड 35,000 रुपीज. ये जो लास्ट वेरिएंट है मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ये ज्यादा महंगा है, बिकॉज 8128 की प्राइसिंग 2627 के आसपास है. खाली 128GB के लिए आप इतना प्राइस क्यों बढ़ा दिए, मेरे को आज तक ये बात समझ नहीं आई, अभी तक ये बात समझ नहीं आई. स्पेसिफिकेशन फीचर्स की अगर हम बात करें, दोनों ही स्मार्टफोन्स में एमोलेड पैनल है. थोड़े यहाँ पे डिफरेंसेस ये है कि Realme X7 Pro स्मार्टफोन में आपको मिलती है 120Hz की रिफ्रेश रेट. बाकी की स्पेसिफिकेशन फीचर्स वगैरह मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. और साथ ही साथ Realme ने लॉन्च किया है अपना Realme V3 स्मार्टफोन, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है और कंपनी की तरफ से अब तक का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है. आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन्स आउट देयर. और ये देख के थोड़ा सा दुख लगता है कि यार इंडिया में अभी इस प्राइस में हमें 4G स्मार्टफोन्स भी ढंग से नहीं मिल रहे. 999 Yuan इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, 999, दैट इज समवेयर अराउंड 11,000 रुपीज इन इंडिया. प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो MediaTek Dimensity 720 प्रोसेसर मिलता है यहाँ पे, अच्छा खासा प्रोसेसर है. और डिजाइन की बात करें तो Realme के C सीरीज जो स्मार्टफोन्स है वैसा डिजाइन है. मैं यहाँ पे डिजाइन की ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा प्राइसिंग की, बैटरी की, 5000mAh बैटरी और साथ में आपको मिलती है Dimensity 720 प्रोसेसर. ये अगर 11,000 रुपए का चाइना में मिल सकता है तो इंडिया में भी ऐसे स्मार्टफोन्स आने चाहिए. Redmi K30 Ultra स्मार्टफोन है, अगर 20-22,000 की रेंज में अगर चाइना में मिल सकता है, यहां पे क्यों नहीं आ रहा, मेरे को ये अभी तक समझ नहीं आ रही बात. यही ब्रांड्स ने मिड रेंज और फ्लैगशिप सेगमेंट में Xiaomi और Realme दोनों ने 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं इंडिया में. सो अगर इनकी आइडियोलॉजी ये है कि हम 5G स्मार्टफोन्स को इंडिया में नहीं लाना चाहते, तो आपने एक टाइम, मेरे को याद है, एक दोनों की रेस चल रही थी कि वील बी द फर्स्ट स्मार्टफोन कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च अ 5G स्मार्टफोन. अब ये 5G स्मार्टफोन्स इंडिया में क्यों नहीं आ रहे, ये मेरे को आज तक बात समझ नहीं आई. आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं.
आगे बढ़ते हैं MediaTek की तरफ। एंड MediaTek Helio G95 प्रोसेसर जो कि एक मिड रेंज गेमिंग प्रोसेसर है, अनाउंस हो चुका है। ये प्रोसेसर 64 मेगापिक्सल तक का कैमरा रेजोल्यूशन सपोर्ट करेगा और अप टू 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट डिस्प्ले को भी सपोर्ट करेगा। ऑफ कोर्स Realme 7 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाली है एंड मैंने आपको बता दिया था कि Realme 7 स्मार्टफोन में MediaTek Helio G95 प्रोसेसर होगा। लीक करके उस वीडियो को फिर से मैं लिंक कर रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं। तो यस, MediaTek का Helio G95 अब ऑफिशियल हो चुका है एंड Realme 7 स्मार्टफोन में यही प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, ये 100% श्योर है। और साथ ही साथ Realme का एक नया स्मार्टफोन RMX 2103, अभी इसका नाम नहीं पता बट ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा बिकॉज Realme RMX 2103 BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे कुछ टाइम पहले लिस्ट हुआ था, मैंने आपको टेक्स्ट में और ट्विटर पे भी बताया था। अब ये स्मार्टफोन FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आ चुका है एंड FCC सर्टिफिकेशन की अगर माने तो इस स्मार्टफोन में हमें मिलेगा Realme UI V1.0 बट साथ में 4890 mAh बैटरी। क्या ये Narzo 20 सीरीज का स्मार्टफोन है ये तो टाइम बताएगा, बट यस Realme का एक नया स्मार्टफोन विद अराउंड 5000 mAh बैटरी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। और साथ ही साथ Realme 7 Pro स्मार्टफोन, ऑफ कोर्स Realme 7 सीरीज अब ऑफिशियल हो चुकी है, मतलब लॉन्च होने वाली है, बट यस Realme 7 Pro मॉडल नंबर Realme RMX 2170 अब FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी सर्टिफाई हो चुका है, दैट मींस ग्लोबली भी ये स्मार्टफोन सीरीज जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं पोको की तरफ। है ना, आपको मैंने कल बताया था कि यार पोको X3 स्मार्टफोन, पोको X3 NFC स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च होने वाला है एंड उसके बाद कंपनी ने ऑफिशियल कर दिया 7 सितंबर को लॉन्च होगा स्मार्टफोन। बट मैंने आपको ये भी कहा था कि ये स्मार्टफोन सितंबर में इंडिया में भी आएगा। सो दोज ऑफ यू हु वर वेटिंग फॉर पोको X3's ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉर इंडिया, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई बट यस मनमोहन जी ने हिंट दे दिया है कि यस ये स्मार्टफोन इंडिया में भी आने वाला है और मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूं कि सितंबर महीने में ही आएगा पोको X3। और पोको X3 अब Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे भी स्पॉट कर लिया गया जिसमें 732G प्रोसेसर तो था ही था बट यस 6GB रैम भी कंफर्म हो चुकी है। पोको X3 ने Geekbench पे कैसा परफॉर्म किया है ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं OnePlus की तरफ। OnePlus की तरफ से बहुत सारी न्यूज निकल के आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं OnePlus 8T स्मार्टफोन की। तो मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि OnePlus 8T की एक एलिजिट डिजाइन लीक हो चुका है OnePlus का जो लेटेस्ट डेवलपर प्रीव्यू 4 आया था उसके सोर्स कोड में, और XDA डेवलपर्स ने उस सोर्स कोड को और डिक करके हमें यह भी बताया कि OnePlus 8T में हमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट भी मिल सकती है। सो यस OnePlus 8T में ऑफकोर्स 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने के चांस हैं, 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग होने के भी चांस है। अब यहां पे 8K वीडियो कैपेबिलिटी भी आ चुकी है बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि इन सारी चीजों से इसकी प्राइसिंग भी बढ़ जाएगी। ऑफकोर्स OnePlus 8T जो होगा OnePlus 8 Pro से थोड़ा सा महंगा ही होगा, सो हमें उसी हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ। है लास्ट न्यूज भी OnePlus की तरफ से आ रही है। सो OnePlus Billy के बारे में आपको मैंने बताया था कि यार Billy, Clover, Denzel और Avicii जो है OnePlus Nord ऑलरेडी आ चुके हैं, OnePlus के अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सो OnePlus का जो लेटेस्ट कैमरा APK है उसके सोर्स कोड में आई वॉज एबल टू फाइंड आउट 4 अलग अलग स्मार्टफोन के यू नो कोड नेम्स, Billy 2, Billy 2T, Billy 8 और Billy 8T। अब ये अलग अलग 4 स्मार्टफोन्स हैं OnePlus की तरफ से, अब ये फ्यूचर में लॉन्च होंगे एंड देखते हैं 8 और 8T। तो यहाँ पे लग रहा है कि यार 8 हो सकता है ऑलरेडी OnePlus 8 जो लॉन्च हो चुका हो, या तो उसकी बात हो रही है और कोई और स्मार्टफोन होगा। 8T भी यहाँ पे कंफर्म हो गया, OnePlus Billy 2 और OnePlus Billy 2T, अब ये भी 2 अलग अलग स्मार्टफोन्स के नए नाम निकल के आ चुके हैं। एंड साथ में सुनने में आ रहा है कि OnePlus 8T लॉन्च होगा सितंबर महीने के एंडिंग वीक में और OnePlus Nord स्मार्टफोन पे हो सकता है एक प्राइस कट हमें देखने को मिल जाए, ऐसा कुछ अभी सुनने में आ रहा है, कंफर्म न्यूज तो नहीं है बट यस ये जो 4 कोड नेम्स हैं दे आर एब्सोल्युटली कंफर्म्ड, 100% कंफर्मेशन है कि ये अलग अलग स्मार्टफोन्स जल्दी ही फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकते हैं। और आज की वीडियो का पोल भी आप लोगों के लिए है कि क्या आपको लगता है कि ये जो 5G स्मार्टफोन्स चाइना में लॉन्च हो रहे हैं और इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहे, डू यू एक्चुअली थिंक इससे हमें कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, डू यू थिंक इट्स जस्टिस टू द इंडियन ऑडियंस और नॉट, कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो में करने से पहले कल का पोल देख लेते हैं। कल हमने आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा था, शुड वी कवर द IFA 2020 इन अ डेडिकेटेड वीडियो, 3000 लोगों ने वोट किया एंड मेजॉरिटी 78% लोग कह रही है कि यस वी शुड, डेफिनेटली आपको एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और वीडियो खत्म करते हैं कल के कमेंट्स के साथ। लर्निंग विद फन ये कह रहे हैं पोको F2 इज गोइंग टू ब्रिंग हॉर्सेस एग, क्या मतलब इसका, जो आने अच्छा ओ ओके ओके। अमित सुंदर घोष साहब कह रहे हैं नीडेड 6K मोर
new stuff listings are me to reach 2. Okay. Amit Sundar ji keh rahe hain, needed 6k more for stuff listings are me to reach 40k. 600 more, I guess, if I'm not wrong. Aaj, thanks a lot, Amit ji. Bahut acha laga aur apne, you know, wish kiya. Aur bas, I believe aaj shaam tak hum ho sakta hai, 40k reach kar jaye. Once again, ek badi, hamare liye to achievement badi hai. Aur aap sab logon ko bhi, main thanks, congratulate aur shukriya ada karna chahunga. Thanks aur shukriya ada ka ek hi matlab hota hai, but yeah, still, jo bhi hai. 40k hum reach kar rahe hain aaj and, हमारे लिए एक एक माइलस्टोन मैटर करता है और 40k तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग माइलस्टोन. मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा कि बहुत लोगों के मिलियन बिलियन थाउजेंड्स लाख्स जो भी हैं, बट स्टिल हम ग्रेजुअली रोज ग्रो कर रहे हैं, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स. रुद्रांश जी आगे कह रहे हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर 16GB ऑफ रैम विल फील लेस. Yes, of course, it will. अगर you know, ऐसी apps, ऐसी games, ऐसा system अगर optimize हुआ और develop हुआ जिसमें 16GB RAM कम लगे, तो of course कम लगेगी. अभी के लिए मुझे लगता है यार, अभी के लिए 6GB RAM वाले smartphones भी मेरा काम तो चल जाता है. अब 16GB RAM आज के time पे, I honestly don't think it's required. तो चलो ठीक है, फ्यूचर में देखते हैं. फ्यूचर में वी नेवर नो. एक टाइम था 512 MB रैम होती थी मेरे स्मार्टफोन में, एंड स्टिल आई कुड प्ले ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स. आगे बढ़ते हैं कमेंटेटर ऑफ द डे की तरफ. एंड अमन शेख साहब इज द कमेंटेटर ऑफ द डे. वो कह रहे हैं, आई लाइक दैट यू प्रोवाइड टाइम स्टैम्प इन डिस्क्रिप्शन. थैंक्स लॉट ब्रदर एंड कंग्रेचुलेशन फॉर बिकमिंग द कमेंटेटर ऑफ द डे. नॉट जस्ट टाइम स्टैम्प, हम ट्राई करते हैं कि यू नो सोर्स लिंक्स हो, जिससे आप एक्चुअली में जाके, अगर कई बार क्या होता है ना, बोलने में चीज क्लियर नहीं हो पाती, आप पढ़ना चाहते हो. लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली वांट टू रीड द आर्टिकल्स एज वेल. सो सोर्स लिंक होते हैं, वो भी मैं लगा देता हूं वहां पर डिस्क्रिप्शन में. अगर आपको कोई भी चीज एक बारी दो बारी वीडियो रिपीट करके भी नहीं समझ आई, आप उन लिंक्स पर जाके भी उसको चेकआउट कर सकते हैं. सो वी ट्राई की जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी सी आप लोगों के लिए एक्चुअली में डिस्क्रिप्टिव रहे. और वीडियो खत्म करते हैं स्टाफ यू शुड नो के साथ. अनंत जी कह रहे हैं, आज तक सबसे ज्यादा ट्विटर पे लाइक्ड ट्वीट जो था वो था ब्लैक पैंथर की डेथ पर उनकी टीम ने जो ट्वीट किया था, वो 7.3 मिलियन लाइक्स क्रॉस कर चुका है. मतलब आज तक का सबसे ज्यादा लाइक ट्वीट. सोर्स टेक्नो रुहेज. अच्छा, रुहेज जी ने अपनी वीडियो में इसको बोला होगा. आई जस्ट होप कि ऐसा ये जो मोस्ट लाइक्ड ट्वीट था वो उनके होते हुए हुआ होता. मतलब आई वॉन्ट कि ऐसा, आई जस्ट प्रे कि एक दिन उन्होंने एक ट्वीट किया होता कि ठीक है यू नो चिलिंग आउट और वट एवर, और तब भी इतने लाइक्स वगैरह आए होते और वही चला होता. आई जस्ट होप कि, आई जस्ट विश दैट वट एवर हैपेंड ये ऐसा ना हुआ होता. स्टिल बहुत बुरा लगता है इस यू नो इस इंसिडेंट को देख के, बट अगेन दिस इज लाइफ, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी हैव अ फाइनाइट एग्जिस्टेंस, कांट हेल्प इट. बट दिस इज सम I don't know. This is some stuff that we all should know. अगर आपको अनंत जी का कमेंट पसंद आया, आप उसको जाके एक थम्स अप दे सकते हैं. So there you go guys. ये थी शाम के टेक्स्ट स्टफ. आई होप आपने सुबह वाली वीडियो भी देख ली होगी. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं. आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी. गॉड ब्लेस यू ऑल. पीस.